ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या इसका यूज करके हम क्रिकेट बैट्स बना सकते हैं? क्योंकि आईपीएल सीजन आ रहा है यार, फोड़ा फाड़ी मचा देंगे हर बॉल पे छक्का। ये एक ट्यूनिंग फोक है और इस ट्यूनिंग फोक में हमारे पास दो इस तरीके से प्रोंग्स होते हैं और इसको अगर मैं किसी चीज़ पे मारता हूँ तो प्रोंग्स ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, इनकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि इसका शेप भी फिक्स है, ये बदल नहीं रहा है। और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? कि ये लेंथ कितनी है, इन प्रोंग्स का मास कितना है और ये किस मटेरियल के बने हुए हैं। तो इसको अगर मैं, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है जो आपको शायद सुनाई नहीं दे रही है, माइक में सुनाई दे रही होगी। इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है जो यहां पे लिखी हुई होती है, जैसे यहां पर लिखी हुई है 256 हर्ट्ज़, और यहां पर लिखा हुआ है सी, क्योंकि सी एक म्यूजिकल नोट होता है, शायद उसकी भी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज़ होती है। तो अगर हम इसे बजाते हैं तो ये जो आवाज निकल रही है वो सी म्यूजिकल नोट के बराबर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन ट्यूनिंग फोक्स के साथ हम क्या क्या मस्ती कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक ट्यूनिंग फोक है, अगर हम इसकी लेंथ को कम या ज्यादा कर दें तो इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इधर उधर वाइब्रेट करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो अगर हम इसकी लेंथ को छोटा कर दें, देखो थोड़ी सी छोटी लेंथ है, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक्चुअली ये पूरा सेट आता है, मेरे पास 8 ट्यूनिंग फोक्स हैं, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। इन दोनों के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अलग है। अच्छा, वैसे ज़्यादा देर तक हमें ये सुनाई नहीं देती, लेकिन ये बहुत देर तक वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे इसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो चुकी है, लेकिन मैं इसको माइक के पास लाऊंगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये एक्चुअली अभी भी वाइब्रेट कर रहा है और मैं इसको हाथों में फील कर सकता हूँ। या फिर हम इसे अगर टेबल पर अड़ाते हैं तो भी आवाज़ आती है, देखो। वैसे ट्यूनिंग फोक्स का इस तरीके से वाइब्रेट करना कोई बहुत ही नया फिनोमेना नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो इस तरीके से वाइब्रेट करती है। फॉर एग्जांपल, हम सभी के घर में एक चमीटा होता है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। एक्चुअली इसका मास उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रख पाएँ। तो जब भी हम इसे वाइब्रेट कराते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा कम होती है कि हम एक्चुअली इसको वाइब्रेट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा है, इसमें आप वाइब्रेशन को देख नहीं पाओगे, इसमें वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता, लेकिन वहीं चमीटे में हमें ये हिलते हुए ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। इसका वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम है, हम उसे देख पाते हैं। इसमें से हमेशा ऐसी आवाज़ आएगी। ये एक फोक है, तो ये ट्यूनिंग फोक नहीं है, लेकिन ये खाने वाला फोक है और इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम फिनोमेना काम करता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो वाइब्रेशंस है वो उतनी जल्दी डाई आउट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं। जैसे इसको आप इस तरीके से बजाओगे तो इसकी आवाज़ बजती है, फिर थोड़ी देर में तुरंत इसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं हुई थी और वो एनर्जी बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस ट्यूनिंग फोक को इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पर मास ज़्यादा होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, तो इनके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा देर तक चलते हैं। जैसे इसको मैं बजाऊँ तो ये बहुत देर तक बजेगा, आप सुन सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी भी बज रहा है। इन दोनों ट्यूनिंग फोक की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हम जब इन्हें मारते हैं तो इन दोनों के बीच में इम्पैक्ट तो सेम हुआ था, इन दोनों के बीच में इम्पल्स भी सेम लगी थी, तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट क्यों करते हैं? देखो, जब इन्हें मारते हैं तो इनमें सभी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस होते होंगे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी इनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी इसमें, वही फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस इसमें ज़्यादा देर तक टिकते हैं, बाकी सब इधर उधर डाई आउट हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इनको ट्यूनिंग फोक्स क्यों बोला जाता है? पहली बात तो ये फोक जैसे दिखते नहीं है, क्या हम इससे मैगी खा सकते हैं? फोक तो ये फोक जैसा शेप है इसका, देखो, इसलिए इसे फोक बोला जाता है, लेकिन इसे ट्यूनिंग फोक क्या बोला जाता है? इससे क्या चीज़ ट्यून की जाती है? तो पुराने ज़माने में हम इनका यूज़ करते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए।
देखो ये एक ट्यूनिंग फोक है, तो इसको आप किसी को देके बोल सकते हो कि यार इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा म्यूजिकल नोट है सी, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। नहीं तो उस ज़माने में आप किसी को कैसे बताओगे कि जो सी वाला सुर है, जो स्वर है, जो भी चीज़ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आप ऐसे लिख के नहीं बता सकते ना। उस ज़माने में यही सब चीज़ें भेज करके ट्यून किया जाता था। मान लो हमारे पास ये एक ट्यूनिंग फोक है जिसके ऊपर लिखा है 288D, यानी इसकी जो नोट है म्यूजिकल नोट वो है डी और इसकी फ्रीक्वेंसी है 288। इसका यूज़ करके हम एक्चुअली गिटार को ट्यून कर सकते हैं। गिटार में डी स्ट्रिंग कौन सा होता है? 1 2 3, शायद ये वाला होता है। अभी अभी मैंने गिटार उठाया, मुझे नहीं पता है गिटार जो डी बजा रहा है क्या वो सही डी है या वो कुछ और है, क्योंकि अगर मैं इसकी टेंशन को बदलूं तो वो जो आवाज़ वहाँ से निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। हम क्या चीज़ को रेफरेंस मान के उस डी को ट्यून कर सकते हैं? तो वहाँ पर ये ट्यूनिंग फोक काम आता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको ढीला कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ये एक बार बन गया फिक्स है फिर इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं इस तरीके से इसको बजा के सुन लूँगा और उसके हिसाब से इसे ट्यून कर सकता हूँ। एक्चुअली ट्यून हो गई है। ये ट्यून हो गया है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमने इस डी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को मैच करा दिया है, इसीलिए इन्हें ट्यूनिंग फोक बोला जाता था। और सिर्फ गिटार ही नहीं, आप सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पर इस तरह की ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी थी इस तरीके की ट्यूनिंग फोक्स का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ट्यूनिंग फोक्स का और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मान लो हमें कभी चोट लग जाए और हम शक करें कि हमारे हाथ में कहीं फ्रैक्चर है या नहीं, उस ज़माने में क्या होता था, आप इस तरीके से एक ट्यूनिंग फोक को ट्यून करके यहाँ पर इस तरीके से टच कर सकते हो और इसकी फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की है वो आपकी हड्डी को वाइब्रेट करने लगेगी, और अगर आपकी हड्डी में छोटा सा क्रैक होगा तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो इस तरीके से आप ट्यून करोगे और यहाँ पर इस तरीके से टच कर करके चेक कर सकते हो कि कहाँ पर हमारा फ्रैक्चर है। तो आपको बस ये पता चलेगा फ्रैक्चर है या नहीं है, फ्रैक्चर किस तरीके का है देख करके ऐसे तो नहीं पता चल सकता, बस फ्रैक्चर है कि नहीं डिटेक्ट आप किया जा कर सकते हो इस तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इस पर क्या, 288D। तो क्या इससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो वाकई 288 Hz है? इसको भी हम चेक कर सकते हैं कैसे, हमारे मोबाइल से। हमारे पास मोबाइल में कुछ ऐप्स होती हैं, जैसे कि ये एक मोबाइल ऐप है और इसमें हमें दिखाई दे रही है कुछ फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। और जब मैं ट्यूनिंग फोक को इसके माइक के पास लाता हूँ तो यहाँ पे हमें एक पीक दिखाई देती है 301 Hz पे। मोबाइल स्क्रीन साइड में लगाते हैं, देखो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 301 Hz पे एक पीक इस तरीके से है। और अगर मैं कोई दूसरा ट्यूनिंग फोक लूँ तो अब हमें किसी और फ्रीक्वेंसी पे पीक दिखाई देगी। इस बार हमारी पीक फ्रीक्वेंसी है 269, 506। तो हर एक ट्यूनिंग फोक की हम एक्चुअली इसके माइक का सेंसर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, उसका यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी एक्चुअली पता कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है 288D, तो पहली बात ये 288 Hz नहीं है, ठीक है। और इसको बनाने वाले ने भी देखो जब बनाया होगा ना, मैं बताता हूँ, उन्होंने इसे बनाया होगा फिर उन्होंने इसे मार के देखा होगा तो इसका मास ज़्यादा था, तो मास ज़्यादा था तो फ्रीक्वेंसी कम आई होगी, तो उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से काट के इसका मास कम किया गया है ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाए। अब एक बार में उन्होंने थोड़ा सा मास निकाला, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो यार इसको, छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 288 Hz लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 301 Hz, तो यहाँ पर एक एरर है। साथ में इस पे लिखा है 288D, फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो हमारा जो डी म्यूजिकल नोट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 288 होती भी नहीं है, वो एक्चुअली होती है 293.665 Hz। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है नोट की, म्यूज़िक में मेरा उतनी एक्सपर्टीज़ है नहीं, पर हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है 288D, पर मेरी बेसिक रिसर्च से मुझे पता चल रहा है ना तो ये 280 Hz है ना ही ये डी म्यूजिकल नोट है। तो बहुत सारी इस तरीके से गलतियाँ हमारे से एग्ज़ाम में भी हो सकती हैं, हम सोचते हैं कि यार ये तो मुझे आता है लेकिन वो हमें नहीं आता है, या फिर मुझे लगता है मैं कंपटीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है नहीं यार आप अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके रिलेटिवली और लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
तब आपको रियलिटी चेक होता है और फिर कहीं जा कर के आप और ज़्यादा मेहनत करते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत सारे टेस्ट लें, बहुत सारी क्विज दें, और क्विज देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर कोर्सेज भी देख सकते हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो और रियलिटी चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कुछ 288 और फिर रैंक आ जाए 288008, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लो, ITJEE नीट CBSE फाउंडेशन जो भी आपका गोल हो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, और कोई भी कैटेगरी में आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो। आप मेरा कोड क्रैशअप यूज़ कर सकते हो, क्रैशअप यूज़ करने से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट किसी भी कैटेगरी में। क्रैशअप क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी मैं कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ, प्लीज़ उसे चेक करो। मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और अब देखते हैं कि पिंग पोंग बॉल इस ट्यूनिंग फॉक्स के साथ इस तरीके से बिहेव क्यों करती है। देखो, जब भी हम ट्यूनिंग फोक को इस तरीके से मारते हैं तो ट्यूनिंग फोक बहुत तेज़ी से ऐसे वाइब्रेट करता है, और वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो इतनी तेज़ वाइब्रेट करता है कि इस बॉल के पास जब हम इसे लाते हैं तो बॉल के ऊपर तो ऐसे बिहेव करेगा वो कि बॉल को किसी ने बहुत ज़ोर से बैट से मारा है। लेकिन ये सिर्फ हल्की बॉल्स के ऊपर ही इस तरीके से काम करेगा, या मैं अगर भारी क्रिकेट बॉल रख दूंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इसका मास उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर बॉल का मास इसके मास से ज़्यादा हो जाएगा तो इससे कितनी भी तेज़ मारो बॉल उतनी तेज़ नहीं जाएगी, बल्कि उल्टा ये दूसरी तरफ फेंक सकता है। और मैं यही सोच रहा था कि अगर हमारे क्रिकेटर्स के बैट इस तरीके से हैवी बना दें और डबल इस तरीके रहें वो भी, और उससे अगर आप किसी बॉल को मारोगे तो बहुत तेज़ छक्का चला जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जब क्रिकेट का बैट होता है वो इतना बड़ा होता है, वो काफ़ी हैवी होगा, तो हमारी लेंथ भी बढ़ जाएगी, वज़न भी बढ़ जाएगा। उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे चमीटे की तरह काफ़ी कम हो जाएगी, तो वो भी ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा और क्रिकेटर खुद उसके कारण ऐसे 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 वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये चीज़ IPL में तो नहीं काम करेगी, लेकिन हमारी लैब की टेबल पे हल्की सी बॉल रखो तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। देखो,